अगली खबर रतलाम से है, जहां हवाला कारोबारी के घर पर आईटी का छापा जारी है। छापेमारी की कार्रवाई दूसरे दिन भी देखने को मिली है। 20 से ज्यादा आईटी अधिकारी कार्रवाई में मौजूद रहे। इंदौर, जबलपुर, भोपाल के साथ ही आसपास के शहरों के इनकम टैक्स अधिकारी जांच कर रहे हैं। जवाब बंधुओं के घर चला आ रहा आयकर विभाग का छापा आज दूसरे दिन भी लगातार जारी है। और ये वही जो पटवा बंधु है, इनकम टैक्स की रेड यहाँ पे कल से पड़ी है और लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार कार्रवाई चल रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे खड़ी हुई है। इंदौर के जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। खबर यही है कि जो पटवा बंधु है, इनका जो हवाला का कारोबार है वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे कोनों तक फैला हुआ था और लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब यह कार्रवाई लगातार चल रही है। 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी कार्रवाई कब तक चलेगी कह पाना मुश्किल है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से अब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर उन्हें किस तरह की शिकायत मिली थी और किस तरह की जो बात है, जो निष्कर्ष है निकल के इस पूरी जाँच में सामने आया है। कैमरामैन नरेंद्र जैन, News18। खरगोन में आयकर विभाग का छापा आज भी देखने को मिला। अधिकारियों ने बुधवार सुबह 6 बजे जिले में 4 जगहों पर छापा मारा था। टैक्स चोरी की शिकायत पर खरगोन के श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण, माथुरालाल तालबिल और आरएम ईशान कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा गया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और महाराष्ट्र से 15 से ज्यादा गाड़ियों में आए आयकर विभाग के 30 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी कंपनी के बैंक खातों की जाँच में जुटे हुए हैं। इस कार्रवाई पर कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर कैमरे पर कुछ भी बोलने को वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और कार्टून जारी किया है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस कार्यकाल में महिला अपमान का कार्टून बनाया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कार्टून शेयर किया। बीजेपी ने कार्टून में लिखा, कांग्रेस में होता था महिलाओं का अपमान, बीजेपी में मिला सुरक्षा और सम्मान। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तेजी से काम कर रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा उन्हें मिले ताकि कोई और नक्सली जन्म ना ले पाए। विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले में 8 लाख के नक्सली का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा 5 लाख के नामी वर्दीधारी महिला नक्सली को अरेस्ट किया गया है। 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी आई है। कहा कि कोई बंदूक लेकर देश की अखंडता को चोट पहुंचाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं है वहां पर, अधिकारी भी नहीं बदले गए हैं, सरकार का संकल्प बदल गया है। जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, नई सरकार है, नई सरकार का नया संकल्प है। अमित शाह जी की प्रेरणा है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार इस दिशा पर बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। चुनौती तो हर क्षण है भाई, चुनौती तो हर क्षण है। अब ये करना क्या है इसका निर्णय सरकारों को करना होता है। भाजपा की सरकार में बहुत स्पष्ट है। आप सरकार को कह लें, आप नेता को कह लें, सब कुछ कह लें, देश की एकता अखंडता पर बात भाजपा नहीं सह पाती है। देश में कोई अराजकता फैलाए, कोई देश को विभाजित करने की बात करे, देश पर कोई आवाज उठाए, सवाल उठाए, ये नहीं सहा जाएगा। बात होगी, निर्णय होगा, नई योजनाएं होंगी, सब कुछ करेंगे, परंतु कोई बंदूक लेकर के देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं सहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल में ध्यान करने के संकल्प पर हो रहे विपक्ष के हमलों पर लक्ष्मण सिंह ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने पीएम के ध्यान संकल्प का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट दिखा रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। तो
वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प का कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह के समर्थन करने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती जा रही है और ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण सिंह कुछ विषयों पर तो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़े हुए हैं, जिनका स्वागत है। आपत्ति है तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। मैं लक्ष्मण जी का स्वागत करता हूं, कम से कम कुछ विषयों पर तो वो राष्ट्र और सनातन के साथ खड़ा होना बेहतर समझते हैं। सागर मामले में सियासत जारी है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने भूपेंद्र सिंह पर सागर मामले के पीड़ित परिवार को दबंगई वाले अंदाज में समझाने का आरोप लगाया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि भूपेंद्र सिंह ने पीड़ित और उसके काका को समझौता कराने के लिए अपने घर खुरई बुलाया। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि भूपेंद्र सिंह ने दबंगई और फिल्मी अंदाज में उन्हें समझाया। कभी गिरा सकते हो तो कभी भी गिरा सकते, किसी का भी गिरा सकते। बाकी केस जैसा आपने चाहा वैसा केस बन गया, जैसी आपने धाराएं चाहीं वैसी धाराएं बन गई, अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद जो सरकार के स्तर पर तत्काल जो चीजें हो सकती थी वो चीज़ें तत्काल जो हो सकती थी वो कर दी। फिर उसी दिन हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अपन 10,000 रुपये वो नौकरी दे देंगे बच्ची को। तो अब इससे ज़्यादा और सरकार क्या करे। भैया घटना हुई है, अब वो घटना तो हुई है, ये बात सही है, दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो तो दुखद तो होती है, पर अब सरकार उसके बाद जो कर सकती वही तो करेगी। वहीं सागर मामले में दिग्विजय सिंह के वीडियो जारी कर भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाने के मामले में आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अप्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अप्रत्याशित हार से पहले कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए एक दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं। वे स्वयं जवाब दें कि 10 साल की जब उनकी सरकार थी, जब मुलतई में किसानों को भून दिया गया था, तब उनकी संवेदनशीलता कहाँ थी। और वो तो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकरवाना चाहते हैं, उनके यहाँ लोग खड़े रहते हैं, वो उनको पानी तक नहीं पूछते। तो ये ज्ञान दिग्विजय सिंह जी देना बंद करें। भूपेंद्र सिंह जी के उस वीडियो में कोई कुछ आपत्तिजनक नहीं है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के बाद महिलाओं के लिए बनेगा महतारी सदन। महतारी सदन के जरिए महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, लिखा विष्णु सुशासन में अब महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। तो महतारी वंदन योजना के बाद अब मिलेगा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी सदन, जहां उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ लखनऊ की टीम रायपुर पहुंच गई है। अनवर ढेबर की रिमांड लेने के लिए टीम पहुंची है। प्रोडक्शन रिमांड लेने पहुंची है एसटीएफ की टीम। शराब घोटाले को लेकर नोएडा में मामला दर्ज किया गया है। अनवर ढेबर को लेने टीम पहुंची है। तो प्रोडक्शन रिमांड लेने पहुंची है एसटीएफ की टीम। शराब घोटाले को लेकर नोएडा में भी मामला दर्ज किया गया है। तो एसटीएफ लखनऊ की टीम यहां पर पहुंची है, एसटीएफ की पेशी भी की जानी है और प्रोडक्शन रिमांड लेने एसटीएफ की टीम यहां पहुंच गई है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर। युगल, एसटीएफ लखनऊ की टीम भी रायपुर पहुंच गई है। जी अपर्णा जी, युगल अनवर डेबर को रिमांड पर लेने के लिए एसटीएफ लखनऊ भी पहुंच गई है रायपुर। जी बिल्कुल। देखिए, शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर है और जो एसटीएफ लखनऊ की टीम है वो यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है।
दरअसल अनवर डेवर को एसटीएफ है वो प्रोडक्शन रिमांड पर ले सकती है। नोएडा में एफआईआर दर्ज है शराब घोटाले मामले को लेकर के, जो होलोग्राम का एक बड़ा घोटाला हुआ था शराब घोटाले शराब स्कीम को लेकर के, लीकर स्कीम में, तो उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। अब अनवर डेवर को अगर जो कोर्ट है वो एसटीएफ को रिमांड पर दे देती है तो उन्हें जो एसटीएफ ले जा करके पूछताछ करेगी कि किस तरह का ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये लीकर जो स्कीम किया गया था उसकी कड़ियों को जोड़ने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। फिलहाल एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है और आने जो न्यायालयीन कार्रवाई है वो अभी की जा रही है। जी शुक्रिया आपका। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।